जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। चिरमिरी में जन आक्रोश दिखा सड़कों पर, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नवीन जिला मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं चिरमिरी को बंद व काला दिवस मनाने के साथ साथ पुतला दहन भी हुआ। आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों को बलपूर्वक उठाकर ले जाने व पुलिस द्वारा संघर्ष समिति का मंच तोड़ने के बाद लोग में हुए दिखा आक्रोशित। कोरिया जिले का विभाजन होने के बाद मनिंद्रगढ़ को जिला की घोषणा होने से पिछले लगभग एक वर्षों से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलनरत चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के कोरिया प्रवास और मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का शुभारंभ करने के एक दिन पूर्व प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के लाख प्रयास के बाद भी अपने द्वारा संचालित क्रमिक भूख हड़ताल अनशन के स्थान पर 8 सितंबर से 6 सत्याग्रही उपेंद्र जैन, वीरू खान, अजाज सिंह, चंदन गुप्ता, प्रताप अधिकारी व पूरन गुप्ता द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ जाने के साथ साथ 9 सितंबर को चिरमिरी बंद व काला दिवस मनाने तथा पुतला दहन करने की घोषणा कर देने के कारण प्रशासनिक हलचल बढ़ गई थी, जिसके बाद 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारम्भ करने आने के पूर्व सुबह सुबह बड़ी संख्या में आए पुलिस दल द्वारा आमरण अनशन में बैठे आंदोलनकारियों को बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर चिरमिरी थाने ले जाने व संघर्ष समिति चिरमिरी का मंच पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद इसकी सूचना चिरमिरी में फैलने के कारण आक्रोशित लोगों द्वारा जहां पूरी तरह चिरमिरी को बंद रखकर आक्रोश प्रकट किया गया, वहीं पर चिरमिरी के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर 9 सितंबर को ही चिरमिरी के लोग काला कपड़े व झंडे लगाकर काला दिवस भी मनाया गया। एक तरफ जहां मनिंद्रगढ़ जिला बनने के उत्साह में अपनी खुशियां बटोर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चिरमिरी संघर्ष समिति व स्थानीय नागरिकों द्वारा पुतला दहन करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खुलकर आक्रोश भी प्रकट किया। जांजगीर पामगढ़ से इंद्रदास महंत की रिपोर्ट। बिल्कुल, चिरमिरी क्यों गुस्सा में है? साल भर से हमारी चिरमिरी की जनता जो है परेशान है, आमरण अनशन कर रही है, और तीनों विधानसभा की बात है तो निश्चित तौर पे इसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।